अरे सर कैसी लगी मूवी? कैसी लगी पिक्चर सर? ऊपर ऊपर बताता हूँ भाई, ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर बोले तो अक्षय कुमार की ये मूवी सुपर ब्लॉकबस्टर। पिछली उनके दो फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा नहीं चली, जैसे सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, खैर उनकी मूवी का जो कंसेप्ट था कहीं ना कहीं वो ढीला था, जो कि सही से बना नहीं पाए। लेकिन रक्षाबंधन, अरे भाई आना नील राय सल्यूट, क्या डायरेक्शन किया उन्होंने, सुपर। मतलब कि उन्होंने साबित कर दिया कि एक अच्छा डायरेक्शन क्या होता है। आगे देखो आप रक्षाबंधन, अरे यार मतलब कि आंखों से आंसू आ गए। मैं आपको दिखा भी नहीं सकता अपना आंसू, चश्मे के पीछे मेरे जो चेहरा ना वो आंसू से भीगे हुए। खैर जो भी हो, अक्षय कुमार का काम की बात कर रहे तो मतलब कि यार भाई हो तो ऐसा हो, मतलब कि क्या काम किया बंदे ने यार। चार बहनें उनकी, सारी बहनें अच्छी क्यूट्स, उनका काम देखो, सब नए चेहरे हैं लेकिन काम देखो जैसे लगे कि उन्होंने पहली बार काम किया ही नहीं है। सुपर तरीके से उन्होंने भी काम किया। लेकिन यार थोड़ा सा मैं नाराज हुआ हमारी जो है ना अपनी भूमि पेडनेकर, जो कि भूमि पेडनेकर का काम तो ठीक है लेकिन उनकी जो केमिस्ट्री मेरे को अच्छा नहीं लगा। उनकी केमिस्ट्री मेरे को कोई खास नहीं लगा अक्षय कुमार के साथ में। लेकिन यार बहुत मूवी बहुत अच्छी है। अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ की बात करें तो फुल कॉमेडी है, इमोशनल थोड़ा मड़ा है, लेकिन सेकेंड हाफ तो यार पूरी की पूरी इमोशनल है। मतलब कि आंखों से आंसू आ जाएंगे। आप लोग अगर मूवी को देखोगे ना, खासकर सभी जितने हमारे देश में ऑडियंस है, सभी को इस मूवी को देखनी चाहिए। और खासकर फैमिली लेके आओ, आप लोग भाई बहन को लेके आओ, साथ में मूवी देखो आप, और आपके आंखों से आंसू नहीं आ गए ना तो आप फिर मेरा नाम ही बदल दो, मैं लिख के देता हूँ इसी। क्या नाम रखने का फिर आपका? मेरा नाम बदल देना अभी नहीं, जब आपको अच्छी नहीं लगी, जो हमारी ऑडियंस है अच्छा। उनको अच्छी नहीं लगी तब वो नाम बदल सकते हैं हमारा, लेकिन ये मूवी अच्छी लगेगी। और म्यूजिक की बात करें तो यार म्यूजिक काफ़ी अच्छी है। हिमेश रेशमिया सर, ओहो क्या गाना गाते हो यार। लोग बोलते कि नाक से गाते, मतलब सुनो गाते नाक से ही है लेकिन यार दिल पे राज करते हैं वो। अरे बाप रे क्या बात है। आपका कौन सा फेवरेट रहा है गाना इस मूवी में? वो कंगन वाला रूपी तेरा, ओहो सुपर भाई, हिमेश रेशमिया की आवाज़ में मजा आ गया सुन। क्या बात है। चलो ठीक है, जाते जाते लोगों को क्या कहेंगे और 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? देखो स्टार रेटिंग की बात की जाए तो मैं इस मूवी को 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार काट रहा हूँ भूमि के लिए मैं, क्योंकि भूमि पढ़ने का मेरे को अच्छी नहीं लगी, उसके लिए 1 स्टार कट करता हूँ। बट यार मूवी सभी को देखनी चाहिए, जितने हमारे देशवासियों हैं सबको बोलता हूँ कि इस मूवी को देखो और अक्षय कुमार का काम देखो। मतलब कि इसमें जो एक मैसेज है मूवी के अंदर, बहुत अच्छा मैसेज है। जैसे कि यूपी बिहार बंगाल साइड में ना दहेज बहुत चलता है, मतलब कि दिखाएगा आपको जैसा कि दहेज जो होता है ना, लड़के शादी करते तो दहेज लेते हैं 1-2 लाख, माए फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, तो स्कूटी चाहिए, बाइक चाहिए, लियो होंडा चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे डिमांड्स करते हैं, यूपी बिहार में ज़्यादा होता है ये। तो वो लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए कि दहेज क्या चीज़ होती है, दहेज मतलब एक मैसेज आया दहेज के लेके, तो जरूर इस मूवी को आप देखते हैं, यही बोलूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया फिल्मी सेकंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फिल्म रक्षाबंधन फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी जी। अक्षय कुमार कैसा काम लगा आपको? अक्षय कुमार का बहुत अच्छा काम था, हर बार की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने जी। इमोशनल सीन हो चाहे कॉमेडी हो, बिल्कुल दिल्ली के चांदनी चौक का लड़का जी, पूरा सूट किया करेक्टर। अक्षय कुमार की बहनों का काम कैसा लगा आपको? बहनों का काम भी सबका अच्छा था, चारों का जितना भी काम था खराब एक्टिंग अच्छा था। आपको इमोशनल सीन कितने थे मूवी में जी? इमोशनल सीन तो ऑलमोस्ट ऑडियंस सारी कनेक्ट हो रही थी, क्योंकि इंडिया में हम सुनते हैं और पर्सनली बचपन से देखते भी आ रहे हैं, जिसके साथ ऐसा बीता है वही दर्द जान सकता है उन लड़कियों का। हर दिन 20 लड़कियां इंडिया में दौड़ी तेज के चक्कर में उनकी डेथ होती है जी सर, तो इसे अब रोकने का समय आ चुका है। ये रूरल इंडियाज में अभी भी है, अर्बन में तो चेंज हुआ है काफ़ी, लेकिन गाँवों में अभी भी ये सेम चल रहा है। तो हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए और बदलाव लाना पड़ेगा जी सर। मतलब लड़कियों को डिपेंडेंट नहीं रहना कि, और ये भी सोच बदलनी पड़ेगी कि जो बेस्ट मैसेज है इस मूवी का ये है कि दहेज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लड़की होने पे भी उतनी खुशी मनाओ जितना लड़का होने पे मनाते हो। यस सर। कि हर कोई ये चाहता है लड़का हो हाँ सर, लेकिन वो सोच बिल्कुल गलत है। रेटिंग लड़के फिर क्या करते हैं लड़कियों के साथ, और उसके लिए तुम मरते हो पैदा करने के लिए, तो वो मैसेज सबसे अच्छा है। मूवी के सॉन्ग कैसे थे? सॉन्ग बहुत अच्छे थे इसके, सॉन्ग तो जब से आए हैं ये सुपर हिट हैं सारे जी सर, और बिल्कुल सूट करते हैं सिचुएशन को सारे। तो रेटिंग की बात करें 5 में कितने स्टार देंगे? 5 में से पूरे 5। थैंक यू सर।